हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ और अब अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। पहले अपन ने किया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिर यूनिट कॉस्टिंग के और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको किए मैंने और आपने देखे होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने हिंदी में मैं बोलूँ तो ठेका लागत निर्धारण, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये आएगा इसका ठेका लागत निर्धारण। ठेका आपने सुना होगा कि जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ा भवन बनाना है, एक कोई होटल बनानी है, एक कोई रोड बनानी है, हाईवे रोड चल रहा है उसको रोड बनानी है, तो ऐसे जो ठेके लिए जाते हैं वो मतलब एक जो ठेके कंपनी जो होती है वो बहुत सारे काम करती है, छोटे मोटे भी करती है। मान लीजिए एक कॉलेज है, उस कॉलेज में कुछ चार कमरे नए बनवाने हैं तो वो चार कमरे नए बनवाने का ठेका ले लिया, कोई सड़क बनाने का ठेका ले लिया, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ठेका एक वर्ष में पूरा भी हो सकता है या एक से अधिक वर्षों में जाकर भी पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार वो अलग 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 ठेके की अलग अलग लागत का निर्धारण करना वो हम ठेका लागत निर्धारण के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब अपने ये कॉस्टिंग की बात करते हैं, अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे ही हम सभी चीज़ों की कॉस्ट के बारे में ही जानकारी करेंगे। तो उसमें आपने यूनिट कॉस्टिंग देखा, उसमें ये था कि पर यूनिट जो प्रोडक्शन करते हैं उसका यूनिट कॉस्टिंग कितना आता है, पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है, कितना प्रॉफिट उसमें लिया जाए ताकि उसको कितने रुपए में सेलिंग प्राइस उसका डिसाइड किया जाए। लेकिन अब आगे नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बात हुई कॉस्टिंग की है, अब ठेके की लागत का निर्धारण करना है कि जब हम ठेके लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के ठेकों पर अलग अलग लागत का निर्धारण करना वो कहलाता है ठेका लागत निर्धारण। तो अब ठेकों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ठेके एक वर्ष में पूरे हो जाते हैं, कुछ ठेके ऐसे होते हैं जो एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरे होते हैं, और एक तीसरे प्रकार के होते हैं लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। चलो ये वाली बात बाद में करेंगे, लेकिन जब हम एक ठेका लागत निर्धारण के अंतर्गत चलिए वही कर लीजिए पहले कि नंबर एक कि एक ही वर्ष में पूर्ण होने वाले ठेके, एक ही वर्ष में पूर्ण होने वाले ठेके, नंबर सेकंड एक से अधिक वर्षों में, एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरे होने वाले ठेके। ये जब तक पूरे नहीं होंगे इनको कहा जाएगा अपूर्ण ठेके, जब तक ये पूरे नहीं होंगे इनको कहा जाएगा अपूर्ण ठेके, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर तीसरे प्रकार के होते हैं लगभग पूर्ण होने वाले ठेके, लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। ये तीन प्रकार के ठेके हम इस लागत निर्धारण ठेका लागत कॉस्टिंग में हम इसको पढ़ेंगे। तो एक ही वर्ष में पूर्ण होने वाले ठेके, मान लीजिए कुछ ठेके ऐसे हैं जो एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं, एक ही फाइनेंशियल ईयर में पूरे हो जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं एक ही वर्ष में पूर्ण होने वाले ठेके। इस तरह के जो ठेके होते हैं, मैं इनको वापस आपको लूँगा कि इसमें एक ठेकेदार की पुस्तकों में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें किस प्रकार हम खर्चों को और इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे उनको किस तरह हम उसको शो करेंगे, और एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरा होने वाले ठेके। ये जो ये ऐसे ठेके हैं जो बड़े ठेके हैं, मान लीजिए होटल का निर्माण करना है, एक धर्मशाला बनवानी है, एक हॉस्पिटल बनना है, तो एक साल में पूरा होना नहीं, तो वो एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरा होता है। लेकिन उन ठेकों पर लाभ या हानि की गणना प्रति वर्ष करनी पड़ती है, इन पर एक ही वर्ष में जो पूरे हो जाएंगे उन पर तो एक वर्ष में हो जाएगी कि जो भी लाभ हुआ या हानि हुई जो भी हो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरे होते होने वाले ठेके होते हैं उनके लिए लाभ हानि की गणना किस प्रकार होती है, क्योंकि ये तो नहीं है कि वो पाँच साल में पूरा होगा ठेका तो पाँचवें वर्ष में जाकर लाभ हानि की गणना होगी। हर वर्ष आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गणना करनी पड़ेगी, वो चाहे एजम्पशन होगा चाहे वो एस्टिमेटेड होगा, लेकिन होगा।
तो इसलिए वो एक से अधिक वर्षों में जाकर जो ट्रिके पूरे होते हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक उनको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, अपूर्ण ट्रिके बोलते हैं। और इनका भी हर वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये होगा सर्टिफाइड वर्क के आधार पर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफाइड वर्क, ये सब बातें आएंगी आपके अब इसके बाद में जब मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो जब ये ठेका डिस्कस करूंगा। अब आइए नंबर थर्ड, लगभग पूर्ण होने वाले ठेके का मतलब है लगभग पूर्ण होने वाले ठेके वे ठेके होते हैं जिनको पूरा होने का मतलब आधे तो हो चुके हो, आधे ज्यादा हो चुके, और जिन मतलब जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनके पूरा होने तक के खर्चों का एस्टिमेशन किया जा सकता है वो ठेके कहलाते हैं लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग है कि वे ठेके जिनके पूरा होने तक के खर्चों का अनुमान लगाया जा सकता है वो ठेके कहलाते हैं लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। इस प्रकार ये तीन ठेके होते हैं। मैं सबसे पहले इस पर आता हूँ कि एक ही वर्ष में पूरे होने वाले ठेके। जो ठेके एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं उन पर जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा उसमें किस तरह वो बनाया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। फिर इससे रिलेटेड जो और खाते बनते हैं वो जो इसमें एंट्रीज होती है उनके अकॉर्डिंग और अकाउंट भी बनाए जा सकते हैं, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट अकाउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मैं आपको इसका परफॉर्मा बना रहा हूँ आपके सामने कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए किसी भी चीज़ का जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको बनाने में उसको बनाने के लिए टू मटेरियल मटेरियल लगेगा, टू लेबर लगेगा, टू अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं परफॉर्मा आपको बना रहा हूँ, जब हमारे पास कोई सिचुएशन आएगी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दिस इज द डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो डेबिट साइड में कितना मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा, कितना लेबर लगा, कितने अदर एक्सपेंसेस लगे वो सब आ जाएंगे, कितना प्लांट लगा मान लीजिए प्लांट बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो प्लांट यूज्ड कितना हुआ वो आ जाए। अब मान लीजिए कि जब खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या बात कर रहे हैं एक ही वर्ष में पूरे हो गया, एक वर्ष में पूरा हो गया तो बाय मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड का मतलब क्या होता है कि मटेरियल बच गया, हम इसको कह सकते हैं मटेरियल एट साइट ऑल्सो, वी कैन सी टू द मटेरियल इन हैंड मटेरियल एट साइट और मटेरियल एट द एंड, ये सब एक ही बातें हैं कि बाद में सामग्री बच गई, इतनी सामग्री काम भेजी थी वहां पर या इतनी बच गई, इसका मतलब बच गई जो इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे तो अपने आप ही डेबिट साइड में जितनी सामग्री काम में है वो बच जाएगी। इसी तरह मान लीजिए आपका जो प्लांट है ये आपने जितना भेजा है, अगर हम यहाँ पर ऐसे शू करते हैं अगर आप प्लांट यूज शो करोगे तब तो सीधा आ जाएगा। मान लीजिए इधर प्लांट सेंट टू साइट, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए कि प्लांट सेंट टू साइट, साइट में जहाँ पर काम चल रहा है तो प्लांट सेंट टू साइट अगर यहाँ पर है तो बाई प्लांट एट साइट बचा हुआ जो प्लांट बच गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में बस एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही आएगा उस प्लांट का। हम प्लांट को शो करने का तरीका दोनों तरीके से है कि जो शुरू में जितना प्लांट हमने इशू किया उतना डेबिट में लिख दो और जितना प्लांट बच गया आफ्टर डेप्रिसिएशन उसको क्रेडिट में लिख दो, तो नेट इफेक्ट उसका आएगा कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन ही बचेगा। अगर मान लीजिए आपको केवल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दे रखा है तो आप केवल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लांट साइड टू साइड और प्लांट एट साइड नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जैसे और खर्चे हैं उसी तरह का एक डेप्रिसिएशन जो होता है वो भी खर्चा आनी होगी। तो इस प्रकार हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कि एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग, ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट
जिसमें जितना मटेरियल भेजा, लेबर भेजा या लगा, अदर एक्सपेंसेस जितने भी लगे, प्लांट भेजा, वो सब मतलब सारे खर्चे हम इसको कह सकते हैं कि सारे खर्चे डेबिट में लिखेंगे, बचा हुआ सामान क्रेडिट में लिखेंगे और बाई कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी का मतलब होता है जिसने ठेकेदाता, हिंदी में बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये कितना होगा, ये जितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, जितने का ठेका है, 10 लाख का ठेका है तो 10 लाख रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर 5 लाख का ठेका है तो 5 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, और ये खर्चे लगे, ये बचा, अब प्रॉफिट या लॉस जो भी वो आना होता है। अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और अगर इधर का ज़्यादा हुआ तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, या प्रॉफिट ही हो जाए या लॉस ही हो जाए, पर ये सिंपल अकाउंट बनेगा कि सारे खर्चे, मतलब डेबिट साइड में अगर हम एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में सारे खर्चे और क्रेडिट साइड में बचा हुआ सामान, और जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, उतने पैसे उसके यहाँ से आ जाएंगे और बाकी का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो डिसाइड हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आगे ले जाएं, कि अगर आगे के ले जाए जो एक ही वर्ष में ठेका पूरा हो गया तो उसका अब जितना भी प्रॉफिट या लॉस है उसी साल ये खत्म हो जाएगा, उसी साल इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करके पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये होगा एक सिंपल जो खाता जो एक ही वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो होगा ठेके जो एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरे होते हैं, मतलब उनको मैंने आपको पहले लिख दिया था कि ठेके जो एक से अधिक वर्षों में जाकर पूरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अपूर्ण ठेके। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो ठेके पूरे नहीं हो जाते उनको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो तो मान लीजिए 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, 5 वर्षों में जाके पूरा होगा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाना पड़ेगा वो प्रति वर्ष बनाना पड़ेगा पर ईयर, पर ईयर बनाना होगा। तो फिर जब प्रति वर्ष कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा और ठेका भी पूरा नहीं हुआ, पहले साल में ठेका पूरा हुआ नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, अब उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस को हम पीएनएल अकाउंट लेंगे, क्योंकि जब तक ठेका पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमें ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भाई एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये ठेका पूरा हो गया, इस पर ये प्रॉफिट हुआ या ये लॉस हुआ। जब तक ये इनकम्प्लीट है 2 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में जाकर पता चलेगा, जब पूरा होगा तब एग्जैक्ट प्रॉफिट उसका पता चलेगा। तो तब तक क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आप अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अपूर्ण ठेकों पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जाए, और जितना हमें उस साल पहले साल प्रॉफिट दिखे, वो है नहीं दिख रहा है कि दिखे, उसको कितना उसको लिए रिजर्व में रखा जाए, क्योंकि अभी ठेका पूरा नहीं हुआ है, हम सारा का सारा उसको पेंडल अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्या हम ऐसा खर्चा है अभी पहले साल कि जो अभी पहले साल कम हुए आगे ज़्यादा हो जाएंगे, तो अभी आपको शो हो रहा है दिख रहा है कि शायद क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट है ये सारा, इट इज़ नॉट अ नेट प्रॉफिट, इट इज ओनली अ नॉशनल प्रॉफिट, और वी कैन से द टोटल प्रॉफिट। तो उस टोटल प्रॉफिट में से कितना पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस साल और कितना रिजर्व के रूप में रखेंगे वो बात मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी आप पूर्ण ठेके जो एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं उससे रिलेटेड आपके चैप्टर में कोई भी जो क्वेश्चन हो जो एक ही वर्ष में पूरा हो जाता है वो क्वेश्चन करेंगे, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाया था, सारे खर्चे डेबिट में लिखो और जो बचा हुआ सामान वो क्रेडिट में लिख दो, और कॉन्ट्रैक्टी के नाम से आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट ठेका मूल्य जो है वो ठेका मूल्य कॉन्ट्रैक्टी के नाम से इधर लिख दो, क्योंकि उससे पैसा मिल जाएगा तो जो प्रॉफिट या लॉस होना है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू।